योगासन बाग में पलते पेड़ों की तरह नहीं है, ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। योगासन खुले तराजू में तुलते मेंढकों से तुलना की जाए तो शायद गलत ना होगा, और आपको गलत लगे तो क्षमा कर देना। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और ज्ञानी जी योग प्राणायाम चैनल में आपका अपार सम्मान करता हूं। नित्य प्रति एक दो आसन में दक्षता प्राप्त करने को आप तन मन से लगे हुए हैं, परंतु जितने आप दक्षता प्राप्त करते हैं उतने पिछले आसनों की दक्षता आपकी पकड़ से दूर होती चली जाती है। पापी पेट का सवाल है और जिंदगी एक लंबी भागदौड़ है, इतना समय किसी के पास नहीं कि यह भी संभाल लूं और वो भी संभाल लूं। इसलिए मैं समझता हूं कि एक आम आदमी को जितने आसन संभालने की क्षमता हो उतने में ही परिपक्व होने का प्रयास करना चाहिए, या फिर एक टारगेट बना लीजिए, आज इतने आसन तो कल उतने आसन, तो आप ज्यादा संभाल कर पाएंगे। आइए आज सीखते हैं आकर्ण धनुष टंकार आसन। इस तरह से दोनों पैर आगे फैला लीजिए और एक दूसरे पैर पर इस तरह से चढ़ा लीजिए। दाहिने पैर का अंगूठा बाएं हाथ से पकड़ें और बाएं पैर का अंगूठा दाहिने हाथ से इस अवस्था में पकड़ें। बाएं पैर के पंजे को अपनी ओर खींचते हुए और दाहिने पैर को कान के पास इस तरह से खींचें। नजर सीधी रहनी चाहिए और इस अवस्था में कम से कम डेढ़ दो मिनट रुकने का अभ्यास करें। हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द रहता है, बिल्कुल ठीक होगा। इस तरह से हाथ पैर कांपते हैं, योग करोगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अगर कंपन वाय का रोग हो भी गया है तो उसमें लाभ मिलेगा। कोई भी आसन अगर हम एक तरफ से करते हैं तो वो हानिप्रद होता है। अब इस आसन की दूसरी स्थिति, पहले हमने इस तरह से पैर रखा था और अब स्थिति बदल लेंगे, बाकी सब वही प्रक्रियाएं रहेंगी। इस तरह से शरीर में बढ़ते मास के कारण नसों में दबाव आता है, ये आसन करेंगे तो मास ही नहीं बढ़ेगा तो नस पर दबाव भी नहीं आएगा और हाथ पैरों में दर्द भी नहीं होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मित्रों में कर देना शेयर। नमस्कार।